नमस्कार, मैं शुभा कुमार, कैसे आप। 1 जून यानी कल लोकसभा का अंतिम चरण भी खत्म हो गया। मतलब ये कि मतदान पूरी तरीके से हर सीट पर संपन्न हो चुका है और अब बारी है रिजल्ट की। 4 जून तक सभी पार्टियों की जान हवा में अटकी है, जिसमें सबसे ज्यादा चिंताएं किसी की बड़ी हैं तो वो है इंडिया गठबंधन, और इसका सबसे बड़ा कारण है एग्जिट पोल के आंकड़े, जो साफ साफ एनडीए की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई ये टीवी चैनल्स जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये सच हैं या सिर्फ हवा हवाई? क्या एग्जिट पोल से सच में सच पता चल जाता है कि सरकार किसकी बन रही है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े सरकार तय नहीं करते। लेकिन ये किस हद तक सही होते हैं ये जानने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं। हम आपको पिछले कुछ चुनावी एग्जिट पोल के आंकड़े बताएंगे और आप खुद समझ जाएंगे कि इनमें कितनी सच्चाई होती है। बता दें, भारत में साल 1957 यानी दूसरे लोकसभा चुनाव से एग्जिट पोल की शुरुआत हुई। पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने सर्वे किया था। उसके बाद से लगभग हर चुनाव में एग्जिट पोल होते आ रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल रिजल्ट कई बार बिल्कुल सटीक होते हैं तो कई बार वास्तविक रिजल्ट से बिल्कुल ही उलट मिलते हैं। पहले बात करते हैं साल 2009 की। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार दूसरी बार सत्ता में लौटी थी। 2009 में 4 बड़ी पोल एजेंसी के एग्जिट पोल आए थे और इसमें औसतन 100 यूपीए को 195 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को 185। हालांकि चुनाव नतीजे एग्जिट पोल के रिजल्ट से बिल्कुल ही अलग आए थे। यूपीए के खाते में 262 सीटें आई थी, जबकि एनडीए को 158 सीटें मिली थी। एग्जिट पोल से इतर यूपीए को 54 सीटें ज्यादा मिली, जबकि एनडीए को औसत से 22 सीटें कम मिली थी। साल 2014 के एग्जिट पोल में बीजेपी अगुवाई वाली एनडीए को औसत 283 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया था, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए को 105 सीटें मिलने का आकलन था। लेकिन एक्चुअल नतीजे इससे बिल्कुल रहे। ज्यादातर एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी की लहर को भांप नहीं पाए थे। एनडीए ने रिकॉर्ड 336 सीटें जीती थी, जिसमें से बीजेपी को अकेले 282 सीटें मिली। यूपीए कुल 60 सीटों पर ही सिमट गई थी, जिसमें कांग्रेस के पास 44 सीटें थी। अब बात करते हैं आखिरी लोकसभा चुनाव यानी साल 2019 की। पिछले लोकसभा चुनाव में 13 एग्जिट पोल के औसत पर नजर डालें तो 306 सीटें दी गई थी, जबकि यूपीए के खाते में 120 सीटें गई थी। पर एग्जिट पोल के नतीजे इस बार भी गलत साबित हुए थे। एनडीए की सीटों का सही आकलन नहीं कर पाए थे। 2019 में एनडीए को 353 सीटें मिली, जिसमें अकेले बीजेपी को 300 सीटें मिली थी। यूपीए के खाते में बस 93 सीटें आई, इसमें कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली थी। जानकारी हो कि चुनाव आयोग के नियमानुसार आखिरी वोट पड़ने के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल के रिजल्ट का प्रसारण किया जा सकता है। भारत में कुछ साल पहले तक चुनाव के बीच एग्जिट पोल दिखाया जाता था। इसके बाद चुनाव आयोग के पास चुनाव को प्रभावित करने की शिकायतें पहुंची। तब आयोग ने इस पर कड़े नियम करके गाइडलाइंस की और एग्जिट पोल का टेलीकास्ट अंतिम चरण के बाद ही होगा ये ऐलान कर दिया था, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का। लेकिन इस बार क्या होने वाला है? क्या ये एग्जिट पोल जो टीवी चैनल्स पर दिखाए जा रहे हैं ये सही साबित होते हैं या फिर आंकड़े बिल्कुल उलट होने वाले हैं? और ये सब 4 जून को ही साफ हो पाएगा। हमारे साथ लगातार देखते रहिएगा द शिवा कुमार, हम आपको चुनावी रिजल्ट की हर जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।